फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के डायरेक्टर, राइटर और एक्टर नीरज बोरा का कंप्लीट कैरियर एनालाइज करेंगे। नीरज बोरा ने एज ए राइटर अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत साल 1997 में मूवी दौड़ से की। इस मूवी के डायरेक्टर थे राम गोपाल वर्मा। इस मूवी के लीड कास्ट में संजय दत्त, उर्मिला मांदोटकर, परवेश रावल और मनोज बाजपेयी शामिल थे। इस मूवी का बजट 7,75,00,000 था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 8,20,00,000 रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 12,12,00,000 रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 2000 में आई मूवी हेरा फेरी, इस मूवी के डायरेक्टर थे प्रियदर्शन और इस मूवी के राइटर थे नीरज वोरा। इस मूवी के लीड कास्ट में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, परेश रावल और तब्बू शामिल थे। इस मूवी का बजट 7,50,00,000 था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 12,36,00,000 रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 17,80,00,000 रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में सुपर हिट रही। एज ए डायरेक्टर नीरज बोरा की साल 2000 में पहली मूवी आई खिलाड़ी 420। इस मूवी के लीड कास्ट में अक्षय कुमार, महिमा चौधरी, गुलशन ग्रोवर और आलोकनाथ शामिल थे। ये एक एक्शन रोमांटिक थ्रिलर मूवी थी। इस मूवी का बजट 8,00,000 था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 5,76,00,000 रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 8,40,00,000 रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में डिजास्टर रही। साल 2001 में आई मूवी ये तेरा घर ये मेरा घर, इस मूवी के डायरेक्टर थे प्रियदर्शन और इस मूवी के राइटर थे नीरज वोरा। इस मूवी के लीड कास्ट में सुनील शेट्टी, महिमा चौधरी और परेश रावल शामिल थे। इस मूवी का बजट 6,25,00,000 था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 3,87,00,000 रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 6,14,00,000 रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। अगले साल 2002 में आई मूवी आवारा पागल दीवाना, इस मूवी के डायरेक्टर थे विक्रम भट्ट और इस मूवी के राइटर थे नीरज वोरा। इस मूवी के लीड कास्ट में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, आफ्ताब शिवदसानी, परेश रावल, आरती छावड़िया और अमृता अरोड़ा शामिल थे। इस मूवी का बजट 13,00,000 था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 16,02,00,000 रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 23,42,00,000 रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में एवरेज रही। साल 2005 में आई मूवी दीवाने हुए पागल, इस मूवी के डायरेक्टर थे विक्रम भट्ट और इस मूवी के राइटर थे नीरज वोरा। इस मूवी के लीड कास्ट में अक्षय कुमार, शाहिद कपूर, सुनील शेट्टी, रिमी सेन और परेश रावल शामिल थे। इस मूवी का बजट 20,00,000 था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 15,17,00,000 रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 26,13,00,000 रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। अगले साल 2006 में आई मूवी गोलमाल, इस मूवी के डायरेक्टर थे रोहित शेट्टी और इस मूवी के राइटर थे नीरज वोरा। इस मूवी के लीड कास्ट में अजय देवगन, अरशद वारसी, संजय मिश्रा, शर्मन जोशी, तुषार कपूर, परेश रावल और रिमी सेन शामिल थे। इस मूवी का बजट 15,00,000 था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 29,33,00,000 रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 45,89,00,000 रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में हिट रही। इसी साल आई मूवी भागम भाग, इस मूवी के डायरेक्टर थे प्रियदर्शन और इस मूवी के राइटर थे नीरज वोरा। इस मूवी के लीड कास्ट में अक्षय कुमार, गोविंदा, परेश रावल, लारा दत्ता, जैकी श्रॉफ और अरबाज खान शामिल थे। इस मूवी का बजट 35,00,000 था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 40,38,00,000 रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 67,34,00,000 रुपए कमाए और कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी भी बॉक्स ऑफिस में हिट रही। साल 2006 में इनके डायरेक्शन में बनी दूसरी मूवी आई फिर हेरा फेरी, इस मूवी के लीड कास्ट में अक्षय कुमार, रिमी सेन, सुनील शेट्टी, विपाशा बसु और परेश रावल शामिल थे। ये एक कॉमेडी क्राइम मूवी थी। इस मूवी का बजट 18,00,000 था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 40,80,00,000 रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 67,71,00,000 रुपए कमाए।
कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में सुपर हिट रही। साल 2009 में इनके डायरेक्शन में बनी अगली मूवी आई शॉर्टकट। इस मूवी के लीड कास्ट में अक्षय खन्ना, अमृता राव और अरशद वारसी शामिल थे। ये एक कॉमेडी ड्रामा मूवी थी। इस मूवी का बजट 24 करोड़ था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 7,69,00,000 रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 12,67,00,000 रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में डिजास्टर रही। साल 2009 में इनके डायरेक्शन में बनी अगली मूवी आई फैमिली वाला। इस मूवी के लीड कास्ट में अर्जुन रामपाल, दिया मिर्जा, शोमा आनंद और खुद नीरज बोरा शामिल थे। ये एक कॉमेडी रोमांटिक ड्रामा मूवी थी। ये मूवी किसी वजह से थिएटर पर रिलीज नहीं हो पाई। साल 2014 में इस मूवी को टीवी में रिलीज किया गया। साल 2016 में इनके डायरेक्शन में बनी अगली मूवी है रन भोला रन। इस मूवी के लीड कास्ट में गोविंदा, अमीषा पटेल, तुषार कपूर और सेलिना जेटली शामिल थे। ये मूवी किसी वजह से थिएटर पर रिलीज नहीं हो सकी। एज अ डायरेक्टर नीरज बोरा की ये आखिरी मूवी है। फ्रेंड्स, इस तरह मैंने आपको एज अ डायरेक्टर और राइटर नीरज बोरा की सभी मूवीज के बारे में बता दिया। नीरज बोरा की कौन सी मूवी आपकी फेवरेट मूवी है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।